नमस्कार दोस्तों, यस टीवी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एंकर अमन। आज हम आपको एक मजे की बात बताते हैं, यानी आज से आपकी एक नई पाठशाला शुरू होती है जिसका नाम है फिजिकल फिटनेस। वही इतनी जानकारी के साथ आपकी सेहत का ध्यान रखना भी तो हमारा परम कर्तव्य है ना। तो चलिए आज बात करते हैं आपके सेहत को तंदुरुस्त रखने की। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पसीना क्यों आता है, यानी आपको स्वेटिंग क्यों होती है। आप मसालेदार खाना खाएं, स्टेज पर गाना गाएं, या कहीं चले फिरे या घूमे फिरे, भैया पसीना तो आपका निकल ही आता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगा। दोस्तों होता क्या है कि हम दिन में ऐसे कई बार रूटीन ऐसे होते हैं जिनमें हम हार्ड वर्क करते हैं, ज्यादा परिश्रम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो हमारा पसीना ऑब्वियसली निकल ही जाता है। ज्यादा अगर आपको पसीना आता हो तो दोस्तों अच्छे से डॉक्टर की सलाह जरूर लें। चलिए मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि हमें पसीना क्यों आता है। जब भी हम किसी एनर्जी वाला वर्क करते हैं तब हमें पसीना आता है। मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज या कुछ ऐसा कठिन परिश्रम करके ज्यादा काम करने से हमारे शरीर में ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, और पूरी गर्मी को रेगुलेट करने के लिए हमारे मस्तिष्क में एक तत्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। जी हाँ, वैज्ञानिकों का मानना है ये हाइपोथैलेमस एक नामक ऐसा तत्व है जो हमारी पूरी बॉडी को टेम्परेचर को ठीक रखता है। ज्यादा ये एक्टिव होने पर हमारी त्वचा से पसीना बाहर निकालता है। दोस्तों मैं आपको मजे की बात एक बता देता हूँ। हमारी बॉडी में 30 लाख से ज्यादा ग्लेड्स होते हैं जिनको हम स्वेट ग्लेड्स कहते हैं। ये ज्यादातर हमारे सर में, हथेलियों पे, पैरों पे और कमर पे, यानी हमारी पीठ पर ज्यादा पाए जाते हैं। ये रेगुलेट होते हुए भी हमारे मस्तिष्क से एक मैसेज आता है और ये रेगुलेट होकर के हमारे पसीने के तत्वों को बाहर निकालते हैं। ज्यादा पसीना आना भी दोस्तों सेहत के लिए ठीक नहीं होता। आपको पता है दोस्तों ज्यादा पसीना हमें क्यों आता है? या तो हम ज्यादा मिर्च खा लेते हैं, या ज्यादा कुछ ऐसा चटपटा खा लेते हैं, या ज्यादा कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को सूट नहीं करती। जैसे गर्म चाय पी लेना, गर्म कॉफी पी लेना, गर्मी में एग वगैरह खा लेना, या कुछ ऐसे गर्मी वाली चीजें जो कि हमारी बॉडी अच्छी तरह से टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाती। मेडिकल लाइन में इसे हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं, क्योंकि ज्यादा पसीना आना हमारे लिए ठीक नहीं है। दोस्तों इसे एक बचने का मैं सिंपल सा तरीका आपको बताता हूं। आप मॉर्निंग वॉक करें, लाइट खाना खाएं, हल्के फुल्के पकवानों का सेवन करें, ज्यादातर पानी पिएं, गर्मियों में गर्म चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें, तभी आप खुश और तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी जानकारी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पाठशाला में मैं आपको समझाऊंगा कि ज्यादा गर्म चाय पीने से क्या कुछ इफेक्ट होते हैं, यानी गर्मियों में चाय का सेवन कितना हमें करना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।